कर्नल अजय जी, यहाँ से बात करें अगर ग्वार की, तो ग्वार में हमने देखा है कि एक रेंज में देखने को मिला था, लेकिन कल को वायदा बाजार में निचले सर्किट भी लगते नजर आए। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या निचले स्तर से एक बार फिर से खरीदारी बनेगी और ग्वार में अच्छी तेजी आएगी? देखिए, ग्वार सीट के कल भी हमने यही कहा था कि जो एक रेंज बाउंड के अंदर, और ये कभी कभी ये तेजड़ी और मंदड़ियों की कहानी होती है, कभी किसका दाव चल जाता है, कभी किसका दाव चल जाता है, और जिस प्रकार खेल के मैदान के अंदर कभी बॉलर हावी हो जाते हैं और कभी बैट्समैन हावी हो जाते हैं, तो ये बाजारों का खेल है। तो इसके लिए कोई हैरान परेशान होने की आवश्यकता मुझे तो नहीं लगती कि कोई बहुत ज्यादा हैरान परेशान होने की आवश्यकता है। और आप फंडामेंटल के हिसाब से चलिए, अपनी क्षमताओं के आधार पर काम करिए, तो निश्चित रूप से ये मान के चले कि है ना, जो भी संभावनाएं बनती है आप उसके हिसाब से काम करें, और जो जो स्पॉट के खिलाड़ी हैं, जो स्पॉट के व्यापारी गण हैं, उनको भी यही मेरा कहना है कि आप सिस्टम को फॉलो करें, बाजार के फंडामेंटल्स की तरफ नजर रखें, और यदि गिरावट आती है तो यदि फंडामेंटल किसी भी कमोडिटी के मजबूत हैं तो उसको नीचे स्तर पर खरीदने की चेष्टा कीजिए। जब तक आप नीचे स्तर पर नहीं खरीदेंगे, ऊंचे स्तर पर बाल कैसे बेचेंगे? तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और जो इंटरडे के ट्रेडर हैं उनको चाहिए कि इंटरडे के हिसाब से ट्रेडिंग करें, उनके लंबे तेजी मंदी के लिए दिमाग नहीं लगाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात लंबे तेजी मंदी की करें और जब बाजारों में एक आध दिन मंदी आएगी तो उसके लिए हैरान परेशान हो और हाइतोबा मचाएं, तो ये दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं है। आप T20 का मैच खेल रहे हैं तो 20 ओवर में सारी कहानी खत्म है, अब टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरे 2 से 3 दिन मिलते हैं, तो दो अलग अलग व्यापारियों के अलग अलग टेक्निक्स हैं और उसके हिसाब से वो फॉलो करेंगे तो बेहतर है। और ग्वार के जो फंडामेंटल हैं वो थोड़ी से मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, कल भी हमने यही कहा था। और इंटरडे के अंदर जो कल जिन्होंने फायदा नीचे स्तर पर माल खरीद लिया था, मुझे लगता है कि आगे एक आध दिन के अंदर उसको फायदा मिलने की संभावना बन सकती है, और ग्वार के अंदर कोई बड़ी मंदी की संभावना एक या दो दिन में तो नजर नहीं आ रही। जी अखिलेश जी, जी